नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का लेसन एक गिटार स्ट्रमिंग प्रैक्टिस लेसन है, जिसमें हम एक पॉपुलर स्ट्रमिंग पैटर्न को लेकर चलेंगे। मैं पैटर्न को धीरे धीरे बजाऊंगा ताकि आप मेरे साथ बजा सकें। आज का जो पैटर्न है ये एक 14 बीट पैटर्न है, जो कि बहुत से पॉपुलर गानों में यूज़ किया गया है। मैं आपको अपने ही बनाए गए लेसन से कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ जहाँ पर ये पैटर्न यूज़ किया गया है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कौन सा पैटर्न सीखने जा रहे हैं। तो आइए पहले इस पैटर्न को देख लें। तो अभी आपने जो पैटर्न देखा, आइए चले हम इसे साथ में प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करके अच्छा लगा। मैंने इस सीरीज में और भी लेसन्स पोस्ट किए हैं और उनके लिंक्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। आप उन्हें देखें और साथ में प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, आपको अच्छा लगेगा। तो आइए जाने के पहले मैं आपको कुछ टिप्स देकर जाऊं जिससे आप अपने स्ट्रमिंग को इम्प्रूव कर सकें। सबसे पहला टिप, आप अपनी टाइमिंग को इम्प्रूव करने के लिए ट्रैक के साथ बजाएं। अगर आप ट्रैक के साथ ना बजा सकें या ना बजाना चाहें, तो आप किसी मेट्रोनोम या बीट वाले ऐप के साथ बजाएं। आप किसी भी बीट के साथ बजा सकते हैं। बहुत से ऐप्स मिलते हैं जो कि आप अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। अपने हिसाब से अपना टेम्पो सेट कर लें और जो भी आपको पैटर्न अच्छा लगे उसे आप ऑन कर लें और उसके साथ प्रैक्टिस करें। इससे आपके टाइमिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। दूसरी बात, आपके हाथ हमेशा डाउन अप चलते रहने चाहिए। इससे आपको कोई भी स्ट्रमिंग पैटर्न सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ पैटर्न ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आप अलग तरीके से बजा सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज आप कोशिश करें कि हमेशा डाउन अप बजाते रहें। तीसरी बात, साउंड चेक। बजाने से पहले हमेशा अपने गिटार के सारे स्ट्रिंग्स के साउंड को चेक कर लें। कोई भी कॉर्ड आप बजा रहे हों, अगर आप किसी कॉर्ड में 6 स्ट्रिंग्स को यूज़ कर रहे हों, तो 6 स्ट्रिंग को आप एक के बाद एक बजा के देखें। उनका जो साउंड है बराबर आना चाहिए, उनका लेवल भी बराबर होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। बहुत से कॉर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पर आप सारे स्ट्रिंग्स नहीं यूज़ करते हैं, तो आप जो भी स्ट्रिंग्स यूज़ कर रहे हों उनके साउंड को आप चेक करें। धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जो कॉर्ड की जो साउंड की क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। चौथी बात, गिटार की ट्यूनिंग हमेशा चेक करें। बजाते बजाते गिटार की ट्यूनिंग हमेशा खराब हो जाती है। कोई भी गिटार आप ले लें, आप 2-4 गाने उसमें आप बजाएंगे, उसके बाद उसकी ट्यूनिंग थोड़ी बहुत ज़रूर बिगड़ जाएगी। ट्यूनिंग अगर सही नहीं होगा तो आपको बजाने में मज़ा नहीं आएगा, आपके कान पक्के नहीं होंगे और सुनने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। पांचवा टिप, बार कॉर्ड सीखें। बार कॉर्ड्स बजाने से आपके
स्ट्रमिंग में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, आप तरह तरह के इफेक्ट्स यूज कर पाएंगे और आप किसी भी की में किसी भी स्केल में गाना बजा सकेंगे। तो मान लीजिए आप कभी परफॉर्मेंस कर रहे हो और आप एक गाना सी मेजर में बजा रहे हो, अगर आपको अचानक लगे कि आप इसे थोड़ा नीचा गाना चाहते हैं तो उसी वक्त आप जो है सी मेजर की जगह बी मेजर बजा सकते हैं। अगर आप बार कॉर्ड्स बजाएंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, आप तरह तरह के कॉर्ड्स बजा पाएंगे और बहुत से इफेक्ट्स भी यूज कर पाएंगे जो कि ओपन कॉर्ड्स के साथ आप नहीं यूज कर सकते। ओपन कॉर्ड्स की भी अपनी जगह है और बहुत से गाने हैं जहां पर ओपन कॉर्ड्स अच्छे लगते हैं, तो आप ओपन कॉर्ड्स और बार कॉर्ड्स दोनों प्रैक्टिस करें और जब जो अच्छा लगे उसे यूज करें। इसके अलावा स्केल्स प्रैक्टिस करें, स्केल्स प्रैक्टिस करने से आपके उंगलियों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपका फ्रेटबोर्ड का नॉलेज बढ़ेगा, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको कॉर्ड्स खोजने में भी आसानी होगी और हाँ आपको लीड गिटार बजाने में तो फायदा होगा ही होगा। तो आज के लिए यहीं रुकते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको लेसन पसंद आया। हमेशा की तरह अपने कमेंट्स और फीडबैक मुझे भेजें, मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करूँगा। तो अगले लेसन तक फिर मिलते हैं, शुक्रिया।